हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द थिंक फिटनेस। माय नेम इज हरीश चौधरी और आज हम करेंगे टॉप 5 एक्सरसाइजेस फॉर राउंड शोल्डर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, पाइक पुशअप्स। सो पहले पुशअप पोजीशन लेनी है और फिर लेग्स को थोड़ा सा वाइड करना है। और हील्स अप करके सो इसके कर रहे हैं 10 रेपिटेशंस। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके करने 10-12 रेपिटेशंस और सेट रहेंगे 3, और जो रेस्ट पीरियड रहेगा वो रहेगा 25-30 सेकेंड्स हर सेट के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। सो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पाइक पुशअप्स। तो बेसिकली इसमें हमने कवर किया अपना फ्रंट डेल्ट एंड ओवरऑल कंप्लीट डेल्ट इसमें कवर हुआ है। सो बेसिकली ये हेल्प करेगा आपके शोल्डर स्ट्रेंथनिंग में। और अभी स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज, रिवर्स आयरन क्रॉस। सो बेसिकली इसके करने हैं हमें 3 सेट्स और 10-12 रेपिटेशंस। जो रेस्ट रहेगा वो 25-30 सेकेंड्स रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं, हम ट्रेन करेंगे ये इसमें अपने रियर डेल्ट्स। तो ये स्टार्ट करते हैं, अपने बैक से लेटना है और तो अपने हैंड्स की सपोर्ट से आपको लिफ्ट करना है अपर बॉडी को। सो इसमें आपको अपना ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो ब्रीद इन, लिफ्ट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, लिफ्ट, ब्रीद आउट। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ होने वाली है आपकी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। सो इसके भी 3 सेट्स करने हैं, 25-30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है हर एक सेट के बीच में। सो स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज। डिक्लाइन शोल्डर टैप्स। सो इसमें आपको चाहिए होगा एक चेयर। स्टार्ट करते हैं। सो अभी सेम पहले पाइक पुशअप्स वाली पोजीशन लेनी है, हैंड्स की विड्थ अपनी शोल्डर्स के स्टैंस में ही रखनी है, ज़्यादा वाइड नहीं करनी है। और अभी लेग्स स्ट्रेट,
दोस्तों ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। बेसिकली ये हेल्प करेगी आपके शोल्डर्स की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में, शोल्डर्स की स्ट्रेंथनिंग को बिल्ड करने में आपकी ये एक्सरसाइज हेल्प करेगी। और इसके करने हैं 3 सेट्स, वही 10-12 रेपिटेशंस और 25-30 सेकंड्स का रेस्ट हर सेट के बीच में। सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, साइड लेटरल्स। सो बेसिकली जैसे जिम में हम डंबल्स के साथ करते हैं लेटरल रेजेस, सो उसी का वेरिएशन है ये बॉडी वेट ट्रेनिंग में। स्टार्ट करते हैं प्लैंक पोजीशन में, जाना है पहले और तो इसके करने आपको 12 रैप्स, 6 रैप्स ईच साइड और 3 सेट्स, सेम वही 20-25-30 सेकंड्स का ब्रेक। सो स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5। सो स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज रिवर्स प्लैंक। सो इसके लिए आपको सेम बैठना है एंड देन स्लोली अपने हिप्स को लिफ्ट करना है, अपने नीज को स्ट्रेट रखना है, फिर हिप्स को लिफ्ट करना है, बॉडी लाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी और इसी पोजीशन में होल्ड करना है 30-45 सेकेंड्स। मेक श्योर कि आप ज्यादा अपने शोल्डर्स को ओवर स्ट्रेच ना करें, जितना लिफ्ट हो रहा है उतना ही करें, जितना इजीली लिफ्ट कर सकते हो सिर्फ उतना करें, ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना। स्लोली डाउन, बहुत स्लो नीचे आना है, एकदम झटके से नीचे नहीं आना है। ओके, सो इस एक्सरसाइज को करते टाइम काफ़ी लोग रॉन्ग वे से इसको परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह से इंजरी होती है शोल्डर्स में। सो इसलिए जितना तुम पुश कर सकते हो, अगर स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर आपकी पोजीशन परफेक्ट नहीं आ रही है तो अपने नीज बेंड करके भी ये पोजीशन कर सकते हो, ये बिगनर्स के लिए ठीक है। और अगर आप इजीली लिफ्ट कर रहे हो अपने हिप्स को पूरा अप, तो आप फिर नीज स्ट्रेट कर सकते हो और पूरा बॉडी लाइन स्ट्रेट करके इस पोजीशन को रख सकते हो। तो ये थी हमारी टॉप 5 बॉडी वेट शोल्डर्स एक्सरसाइजेस टू ग्रो योर शोल्डर्स। और अगर आपको बिगनर्स का शोल्डर्स बॉडी वेट एक्सरसाइजेस ट्राई करना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और ये वाला वीडियो ट्राई कर सकते हो। सो
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।